लेसन सेवन संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक होता है। किसी भी चीज का संकल्प करते अपन तो फल अच्छा मिलता है बुरा मिलता है? अच्छा मिलता है। अपन ने संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे तो सेवंथ क्लास में टॉप आना है, सबसे ज्यादा परसेंटेज मुझे बनानी है। अब उसके अकॉर्डिंग अपन अच्छी तैयारी करेंगे तो पास होंगे कि नहीं होंगे? और अपन कर ले रहे क्या काम है, अपन को तो फेल होना है। और अपन पटेंगे तो फेल ही तो होंगे ना, ये पास हो जाएंगे बने रहियो। तो ये क्या कह रहा है, संकल्प कैसा होता है, सिद्धिदायक होता है। देखो पार्वती शिवपति रूपेण अवांछत है। पार्वती, पार्वती कौन, माता पार्वती, तो शिव शंकर भगवान पति रूपेण पति के रूप में अवांछत है, अवांछत भी चाहती है, पाना चाहती है। पार्वती की शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थं सा तपस्या कर्तुम इच्छति, इसलिए उन्होंने तपस्या करने की सोची। इसलिए वो क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। पेड़ के नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ के नीचे देखो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यस सर। ये कौन है? पार्वती जी है जो तपस्या कर रही है। किस लिए? शंकर भगवान से शादी करने के लिए तपस्या कर रही है। स्वकीय मनोरथ मात्रे निवेदित है, वह अपने निवेदन को माँ से निवेदन करती है। उनकी माँ शंकर भगवान की उनसे कहती है भाई मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने खुद की माँ से कि भाई मैं शंकर भगवान शादी करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ, तभी तो मानेंगे शंकर भगवान। वैसे मानते थोड़ी थे, वो तो बहुत किस्म के क्या थे, नशेड़ी आदमी थे, भांग पी मौज मस्ती, उनकी पता नहीं है क्या हो रहा है, भांग पीने के बाद पता नहीं चलता उनको। ततः श्रुत्वा माता मेना चिंता कुला ततः, इसके बाद उनकी माता श्रुत्वा में सुनकर उनकी माता ने, माता का नाम क्या, मेना, चिंतित हो गई कि भाई शंकर भगवान से शादी करने का विचार कर रही है। अब वो तो विचार करेंगे नहीं, वो तो शादी नहीं करते, कर भी लेंगे तो रहते खाए वो पहाड़ों में, न उनके पास घर है, न उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, न उनके पास कोई साधन है जाने जाने के लिए, न उनके पास अच्छे से नाते धोते हैं, वो पूरे शरीर में भस्म लगा के बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं, जंगलों में पड़े रहते हैं, भांग पीते हैं, मौज करते हैं, गांजा नशा धतूरे धतूरे होते ना आंकड़े धतूरे, जो ढेरीला पौधा होता है धतूरे का, तो ऐसी चीज खाते हो। अभी तो क्या कर रही है, अब शादी करने की जिद कर बैठी। तो आगे देखो मेना के लिए बच्चे, अरे पुत्री मनीषिता देवता ग्रह एवं संति, मनीषिता, मनीषिता मीन्स क्या होता है, चाहा गया या इच्छित, मन की इच्छा पूरी करने वाला, जो मन में चाया पढ़ने उसको पूरा करने वाला कौन होता है, मनीषिता देवता, देवता घर एवं घर में संति है, जो घर मन की इच्छा पूरी करे वो देवता तो कौन है, घर में ही है। तप कठिन भक्ति, तप कठिन होता है, माँ डरा रही है समझा रही है भाई तपस्या करना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। ये थोड़ी आज तपस्या करने बैठ गए सुबह शाम तक शंकर भगवान सुन देंगे, हो सके 10 साल नहीं सुने, 20 साल नहीं सुने, खातर बैठे रहो। तो है शरीर सुकोमलम बरते, तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम्हारा शरीर कैसे कोमल है, नाजुक है, ग्रह एवं वशे, घर में ही रहो, घर में चलो और घर में रहो, क्यों पागल हो रही हो तपस्या करने के पीछे। सफल भविष्य, तुम्हारी मन की इच्छा सफल हो जाएगी, मां डरा रही है उसको कि तपस्या करना आसान काम नहीं है, तुम्हारा शरीर कोमल है, क्यों परेशान हो रही हो, घर पे चलो, सब देव के घर पे सुन लेंगे तुम्हारे। पार्वती के लिए अम्ब है, अम्मा तादृश्य, तादृश्य अभिलाष तू तमसा एवं पूर्ण भविष्यति, अम्बा के लिए माँ बेसी इच्छा
तो तब से ही छोटी मोटी इच्छा थोड़ी है मेरी, मेरी इच्छा तो कैसी है, बड़ी इच्छा है शंकर भगवान से शादी करने की इच्छा, घर पे बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। अन्यथा तादृश पति कथम प्राप्त, तो मैं पति कैसे प्राप्त करूं। तो मेरे पार्वती कि अगर ऐसी तपस्या बड़ी तपस्या नहीं करूंगी मैं, तो पति के रूप में शंकर भगवान को प्राप्त कैसे करूंगी। अहम तप एवं चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं मेरी जब मैं शंकर भगवान की तपस्या करूंगी तभी तो मेरी तपस्या पूर्ण होगी, तभी तो मुझे फल मिलेगा। तो जब मैं अच्छे मन से अच्छे तरीके से तपस्या करूंगी तो मेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। मुझे क्या मिल जाएगा, शंकर भगवान मिल जाएंगे पति के रूप में। के लिए पुत्री, अरे पुत्री तुम्हें जीवना विलास है, तुम्हें जीवन की अभिलाषा है, तुम जीने के लिए क्या कर रहे हो, अभिलाषा रखो जीने की। अभी तो तुम छोटी हो, नाजुक हो, कोमल हो, अभी से ऐसी क्या हो रही है तुझे तो तपस्या कर रही। पार्वती के लिए सत्यम, सत्य है, सही बात है। अरे मैं मन लक्ष्य प्राप्त आकुलित वर्त, लेकिन मेरा लक्ष्य मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुल है, आकुल मीन्स व्याकुल। मेरे मन में क्या निश्चित हो गया कि भाई मैं शंकर भगवान से शादी करूं और उनको मैं अपना पति मानूं जब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। सिद्धि प्राय पुनः तदेव शरणम आगच्छामि, मैं जब तक सिद्धि प्राप्त करके उनके चरणों में नहीं चली जाती, जब तक सिद्धि प्राप्त करके उनको उनकी शरण में न जाऊं या वो मेरे पास न आ जाए। अदे विजया साकम गौरी गौरी शिखरम गच्छामि, इसके बाद वो विजय होकर जीत कर खा जाऊंगी, गौरी पर्वत पर हिमालय पर्वत पर पहुंच जाऊंगी। हिमालय पर्वत खाए शंकर भगवान रहते हिमालय में रहते, जाना कभी घूमते फिरते अगर पहुंच जाओ तो देखे ना शंकर भगवान नहीं मिले, मिलते एक दिन मुझे भी मिले थे, हाँ पर मैं तो दूर से आके आगे तथे पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती निकल जाती, इसके बाद पार्वती की माँ से चली जाती है। आगे देखो दूसरा, आया क्या समझ में? यस सर। अच्छी बात है आ गया तो, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, फिर बता करो सब समझ आ जाएगा। ठीक है आगे चले, दूसरा देखो, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एवं तस्मी तपसी, इसमें पार्वती ने मन से, मनसा मीन मन से, वचनम इस वचन से, कर्मणम इस कर्म से क्या किया, तपस्या। पार्वती ने तपस्या लगा के बैठ गई, पेड़ के नीचे देखो ये बैठी है ना, इसे मन से कर्म से वचन से एकाग्रचित होकर पार्वती जी ने क्या विचार कर लिया, तपस्या करने का। क्यों, क्योंकि तपस्या करूंगी तभी तो मेरा संकल्प पूरा होगा, तभी पार्वती की शादी होगी शंकर भगवान से। कदाचित रात्रो स्थल स्थल कदाचित द्रौपदी में, कभी वह जमीन पर बैठती, कभी वह चट्टान के ऊपर, एक एक जगह थक जाते हैं तो वो कभी तो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लग जाती, कभी चट्टान के ऊपर बैठ कर तपस्या करने लग जाती। एकदा विजय अवध, एक दिन विजय हो गई, एक दिन विजया ने कहा कि विजया कौन, जीत, जीत को तो विजय कहते, एक दिन आगे बोलते विजया सखी, अभी मित्र सखी मीन होता है सहेली दोस्त। तपे प्रभावान हिंस्र पशु अपी तुए सहाये जाता, तप के प्रभाव से जो हिंसक जानवर रहते हैं ना जंगल में वो भी तुम्हारे दोस्त बन गए, जो खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं
वो भी तुम्हारी तपस्या देख के तुम्हारे दोस्त बन गए, वो भी नहीं खाते तुम्हें। पांच अग्नि व्रत अभी तुम अतम और पंचाग्नि व्रत भी तुमने तपाए, पंचाग्नि पांच अग्नियों का तप, भूख प्यास नींद इनका भी तुमने क्या कर लिया, पचा लिया उनको भी, क्योंकि कौन कौन से दे रखे इसमें, चारों दिशाओं में आग जलाकर सूर्य की प्रखर किरणों के नीचे बैठकर जो तप किया जाता है उसे पंचाग्नि व्रत या तप कहते हैं। आगे देखो, पुनरपि अभिलाषा न पूर्ण व्रत है, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, जो तुम जिसके लिए यज्ञ को कर दियो ना तपस्या, वो तो पूरी नहीं हो रही, किसके लिए कर रही थी अंकुर, किसके लिए कर रही थी, सेना बगल वाले हमें उसके दे दे एक रुपया, उसके नेट पर यहाँ दे 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 दे, सो बार बता दिया किसकी तपस्या हो रही है यार। पार्वती आई विजय किम ने जान, अरे विजय तुम क्यों नहीं जानती, अरे विजय तुम क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, परित्यजमि सुदा छोड़ना, मनस्वी लोग अपना धैर्य नहीं छोड़ते, साधु सन्यासी होते हैं धैर्यवान होते, अपने जैसे थोड़ी होते कि किसी ने कुछ कार बढ़ के डंडा लेके आ गए, साधु सन्यासी वो जो बड़ा अच्छा साधु है ना, बढ़िया तपस्या करता है, भगवान से बात करने वाले, वो इतने धैर्यवान होते कि कुछ भी देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं कहा उससे पहले डंडा लिया कितने पर, जो कि ये मनस्वी लोगों ने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते, अपीच मनोराथाम अक्ति नास्ति, चाहे से उनके मनोरथों की पूरी गति ही नहीं होती, उनकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति हो या न हो, लेकिन तपस्वी लोग अपना धैर्य नहीं छोड़ते। नाटकों में उनके देखते पर राक्षस देवता ये तपस्या करते थे, वो एक एक साल दो दो साल दस दस साल तक बैठे ही रहते थे, है ना, अपने जैसे दौड़ते, सुबह बैठे 12 बजे भूख लगी है रुक के आगे है, लोग बैठे ही रहते, जैसे वो था ना डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर एक इतना बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा जंगल में रहता था, जो भी लोग निकलते थे साधु सन्यासी व्यापार वाले सेठ लोग सबको क्या करता था, पकड़ लेता था, लूट लेता और मार देता था, और उनका धंधा ना जो अपने पास रख लेता। एक बार उस जंगल से कौन जा रहे थे, साधु लोग जा रहे थे, साधु होते ना ऋषि लोग, तो उन्होंने उससे पूछा, उनको उसने पकड़ लिया, पेड़े बांध दिया, उसने जब उनने पूछा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, चोरी करते हो, बुरी बात है क्यों करते हो, तो कहा अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को खाने खिलाने के लिए, तो भाई अगर तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी तो कौन जेल जाएगा, तुम जाओगे तुम्हारे घर वाले भी जाएंगे, कौन जाएगा जेल, खुद ही जाएगा, चोरी को कर रहा है हत्या को कर रहा है, तो उसने कहा नहीं हम सभी जाएंगे, भाई हम सब कैसे जाएंगे, बुरा कर्म कौन करते हो, तुम करते हो, घर वाले थोड़ी करते हैं, जो तुम ले जाके देते हो खाते हो तो तुम करते नहीं। फिर जब वो घर पे जाके उसने पूछा अगर मैं सजा भोगूंगा तो मेरे साथ कौन कौन भुगतेगा, घर वालों ने मना कर दिया, तुम क्यों भुगतेंगे, चोरी कौन करते हो, तुम मारते कौन हो, तुम मारते हो। फिर आकर वो क्या करने लग गया, तपस्या करने लग गया, वो ऋषियों ने उसे कहा तो राम का नाम ले, राम 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 जपता रहे बैठ के, इतनी तपस्या करी, वो होती ना दीमक होती है ना, दीमक दीमक देखी क्या, उसके शरीर पे दीमकों ने घर बना लिए, पूरे शरीर को दीमकों ने इतना घर बना दिया, आदमी दिखता ही नहीं किधर गया, दीमक ही दीमक दिख रही है चार तरफ। जब ऋषि आए 7-10 साल 20 साल बाद उसी जंगल से, तब उन्होंने देखा कि वो जो डाकू था सबका वही बैठा ही अभी तक बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है,
ना भूख का पता, ना प्यास का पता, दिन का पता, रात का पता, कुछ भी नहीं। उसे जगाया तो क्या नाम दिया उसे? वाल्मीकि। जिसने रामायण की रचना की ने वो वाल्मीकि। इतना चोर था, डाकू था, लेकिन उसने तपस्या करी। तपस्या करने पर उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया कि उसने राम भगवान जब छोटे थे ना पैदा हुए, जब से और पूरी रामायण लिखी। देखते हैं रामायण का पाठ होता है कितनी मोटी होती मोटी होती है, ऐसी पूरी रामायण की लिखी, इतना ज्ञान हो गया था। ये क्या कहती है पार्वती कि मनुष्य लोगों के लिए उतना धैर्य नहीं चाहते, वो जब तक मनोरथ पूरा नहीं होता जब तक प्रयत्न करते रहते हैं। विद्या तुम वेदम अधिपति, तुम वेदों को पढ़ाए, तुमने वेद पढ़ाए। वेद होते चार वेद होते, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद होते। यज्ञ संपादित पति, तुमने यज्ञ किए, वेद पढ़ाए और यज्ञों को दिया है। आगे तपे कारणात जगति एवं प्रसिद्धि, तपे कारणात जगति एवं प्रसिद्धि। जगति मीन्स होता है संसार, तुमने इस कारण संसार में प्रसिद्धि पाई है। किस कारण? वेदों को पढ़ाए और यज्ञ किया है, इस कारण संसार में प्रसिद्ध हो। अर्पणाम इति नाम अति अपि त्वं प्रतिता, और अर्पणा नाम से भी तुम प्रतीत हो, तुम्हारा नाम है अर्पणा। अर्पणा मीन्स अर्पण करना, बिना पत्तों के ही जीवित रहने वाली, बिना पत्तों के ही जीवित रहने वाली को क्या कहते हैं? अर्पणा। आगे पुनरपि तपस्थलम नैव दृश्यते, तुमने भी तप का परिणाम कभी नहीं देखा, तुमने तुम्हें भी तप का परिणाम दिखाई नहीं देता। आया के दो पैराग्राफ समझ में? क्या बात आई दोबारा सुनो जब एक बार। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाह रही है और वह माँ से कहती है कि वह मेरी चिंता मत करना, मैं तो तपस्या कर रही हूँ पेड़ के नीचे बैठ रही हूँ। उसकी माँ कहती है कि वह घर देवता तो अपने घर में ही है, उनकी तपस्या कर लो, तब बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारा शरीर कोमल है, घर में रहो, सब इच्छा पूरी हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन पार्वती क्या कहती है कि पार्वती कह रही है मुझे तो तब से पूरी करनी है, मेरी जो इच्छा है तब से पूरी होगी, ऐसे नहीं होगी। तो मुझे क्या चाहिए? पति चाहिए। कौन? शंकर भगवान। और मैं तब उनकी तपस्या करूंगी, उनकी पूजा करूंगी, तभी मेरी वो तपस्या पूरी होगी, वो मुझे पति के रूप में मिल जाएंगे। मैं उसकी माँ कहती है ठीक है भाई, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो कर लो तपस्या, इसमें क्या है। पार्वती कह रही है कि मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, तपस्या करूंगी, तपस्या करते ही शंकर भगवान मिल जाएंगे, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा मुझे। और जब मैं सफलता प्राप्त करूंगी तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी और गौरी शिखर पर्वत पर चली जाऊंगी। गौरी शिखर पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत है, जहाँ पर शंकर भगवान रहते हैं। पार्वती चली जाती है वहां से, और उसके बाद पार्वती मन क्रम वचन के साथ तपस्या करती है, कभी नीचे बैठती है, कभी पत्थर के ऊपर बैठती है। तो एक दिन विजय आती है, विजय आते बोलती है कि भाई सखी मित्र, तुम्हारी तपस्या से जो इस जंगल में जंगली जानवर थे वो भी तुम्हारे मित्र बन गए, पंचांगनी व्रत भी तुमने कर लिया, और तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी, मजा लेने वाले आते, कोई अपना अच्छा काम करते, काम पूरा नहीं हो पा रहा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते मजा कर लेने आ जाते, बीच में टोकते अपन को आके, अरे तू इतने दिन से कर रहा है ये काम, हुआ नहीं तेरा, करते ना, तो वो भी ऐसी आएंगे। तो पार्वती के लिए अरे विजय तुम नहीं जानती क्या दृढ़ संकल्पी धैर्य रखते हैं, मनुष्य लोग क्या रखते हैं? धैर्य रखते हैं, इतना जल्दी वो हार नहीं मानते। तो विजय अरे तुमने वेद भी पढ़े, तुमने यज्ञ भी किया है, तुमने सब जगह प्रसिद्धि भी प्राप्त कर रखी है,
और फिर भी तुम्हारा कोई परिणाम ही दिखाई नहीं दे रहा, शंकर भगवान आई नहीं रहे प्रसन्न होके। यहाँ तक अपन ने लेसन पढ़ लिया था, ठीक है, आगे का अपन कल पढ़े, ठीक है संजय, आया समझ में? और उम्र कहाँ तक हो गया? माइक अनम्यूट करके बोल। सिक्स्थ लेसन पूरा हो गया। सिक्स हो गया ना, तो ये जब सेवन कंप्लीट हो जाएगा कल बुधवार को कॉपी चेक करवानी है तुझे, ठीक है ना? यस सर। ओके।